अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने चैनल के ऊपर में आप अपना एक खुद का लोगो लगा सकते हैं और चैनल बैनर यानी यूट्यूब चैनल जो बैनर होता है ना, चैनल आर्ट, उसको आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से लोगो आप क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी स्टाइलिश वे में, और किस तरीके से चैनल आर्ट बना सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पर एक्सेस करके वहाँ पर देख सकते हैं वो वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो के उसके अंदर में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से आप अपने लिए लोगो बना सकते हैं और किस तरीके से चैनल आर्ट बना सकते हैं, चैनल बैनर बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि क्रोम ब्राउजर आपको ओपन करना है, और मैंने यह भी आपको बता रखा है कि अगर YT स्टूडियो आपके फोन के अंदर में इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल कर दीजिएगा YT स्टूडियो को, वरना वही रीडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली वहीं पर, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपली जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर, यानी जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप YouTube चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो, और मैंने आपको यहीं पे छोड़ दिया था, यहाँ तक आपको पहुँचा करके छोड़ दिया था। अब आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, अगर मान लेते हैं कि आप अपने YouTube यानी YouTube होम पेज पे हैं, ठीक है, मैं जैसे इस होम पेज पे हूँ यहाँ पे हैं, और अगर मैं मान लेता हूँ कि डेस्कटॉप मोड में भी नहीं, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप मोड ज़रूर इनेबल कर लीजिएगा। सिंपली आप स्क्रीन में क्लिक करके यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके इसको इनेबल कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो टॉप पर नज़र आ रहा है ना, आपके चैनल का नेम जो होगा उसका जो पहला कैरेक्टर होगा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, सिंपली आप स्क्रीन में क्लिक कीजिए, यहाँ पर आकर के आपको नज़र आएगा YouTube स्टूडियो, आपको नज़र क्या आएगा YouTube स्टूडियो, इसको ऊपर में क्लिक कर लीजिए, या फिर आप सिंपली यहाँ पे योर चैनल पे आप क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको नज़र आएगा कस्टमाइज चैनल, आप यहाँ पे सिंपली कस्टमाइज कर लीजिए। अगर आप लॉगिन होंगे आप अपने ईमेल आईडी से तभी ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, तो आप अपना पहले लॉगिन हो जाइएगा। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि ट्राई आउट द यूट्यूब स्टूडियो ऐप, तो सिंपली आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो पे आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू कर लेना है, इतना आपको करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू टू स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में जो है आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, और सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे आपको यहाँ पे भी क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी चेंजेस है वो मैं आपको बताऊँगा। अगर बाय चांस मैं सपोज करता हूँ कि आप यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, आपको सिंपली करना क्या है, आप अगर होम पेज पे ही हैं यानी यूट्यूब के होम पेज पे हैं, तो भी अभी आपको करना क्या होगा, सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ तक कैसे पहुँच पाइएगा आप, ठीक है, वहाँ पर पहुँचने का और भी रास्ता है। जैसे इसको मैंने जूम इन किया, यहाँ पर आकर के मैं आपको बताऊँगा, पहले आप अपने जो चैनल का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा ना उसका जो ये है यानी आइकन है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आकर के सिंपली आपको नजर आएगा यूट्यूब स्टूडियो, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद में अब आपको कहाँ पे आना है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उस जगह पे कैसे पहुँच पाएंगे, यानी जो कस्टमाइजेशन के लिए था। अभी जैसे आप YouTube स्टूडियो पे आ गए तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो सारे ओवरव्यू मिलेंगे चैनल के बारे में, चैनल डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे वीडियोस कौन सा अपलोड हुए, लेटेस्ट कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज़ हैं, कितने वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट हुए, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा। तो अभी आपको करना क्या है, आपको सिंपल सी बात है, आपको कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइजेशन के लिए यानी लोगो वगैरह चेंज करने के लिए आपको आना होगा कस्टमाइजेशन सेक्शन में। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँगा, जूम इन करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा होगा इस तरीके से मेन्यूज, यानी इस तरीके से टैब्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा क्या, आपको मैजिक स्टिक जैसा एक नज़र आएगा, पहले एक डॉलर का सिंबल आएगा उसके नीचे आएगा मैजिक स्टिक, सिंपली आप मैजिक स्टिक पे आप क्लिक कीजिए, यानी ये वैसे भी यहाँ पे मैसेज दे रहा था, उसके बाद में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये कस्टमाइज का हो गया। अभी आप यहाँ पे आ चुके हैं कस्टमाइजेशन यानी चैनल कस्टमाइजेशन सेक्शन के अंदर में आप पहुँच चुके हैं, जिस तरीके से मैं वहाँ से लेकर के आपको आया था। उसके बाद में आपको जो पहला नज़र आएगा चैनल कस्टमाइजेशन के अंदर में, यहाँ पे स्पोर्ट यानी वीडियो स्पोर्ट लाइट्स आपको लाइट नज़र आएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा, आप ट्रेलर कोई डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हैं, फीचर वीडियो कोई डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ कितने हैं, अपलोड्स कितने हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर बताएगा। तो अभी हमें करना क्या, आपको सिंपली ब्रांडिंग पर आपको क्लिक करना है, पहले आप क्या कीजिए ब्रांडिंग पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आकर के मैं आपको दो ही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रोफाइल पिक्चर जो है यानी जो पिक्चर है लगाना है लोगो वो कैसे आप डाल सकते हैं, और बैनर इमेज जो है वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं। तो आपको करना क्या, सिंपली यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपली अपलोड पर क्लिक करना है, अपलोड पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद में इसको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी आपके फ़ोन के अंदर में लोगो होगा यहाँ पे आपको सारे सारे शो हो जाएंगे। तो सिंपली आपको करना क्या, ब्राउज़ पे आपको क्लिक करना है, ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपके लोगोज़ जो है वो नज़र आएंगे। जैसे मैंने क्या किया, थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे रिसेंट पे मैंने क्लिक कर लिया, जो भी मेरे पास में रिसेंट में जो मुझे नज़र आएंगे मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया लोगो, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद में जो है यहाँ पे ये बताएगा कि इस तरीके से आपका लोगो जो है नज़र आने वाला है। जैसे अगर आउटसाइड में आप क्लिक कर देते हो ये हट जाएगा, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप फिर से अपलोड पर क्लिक कीजिए, यहाँ से फिर से ब्राउज में जाइए, यहाँ पर मैं गया, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से यहाँ पे फोटोज़ में भी जाकर के यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आपने फोटोज़ पे क्लिक किया, यहाँ पर आने के बाद सिंपली यहाँ से आप गए और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया लोगो, यहाँ से भी मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको नज़र आएगा, आप आउटसाइड पर क्लिक मत कीजिएगा, इस बॉक्स के अलावा आउटसाइड में क्लिक मत कीजिएगा, यहाँ पर आपको नज़र आएगा डन, सिंपली आप डन पर क्लिक कीजिए, ये जो है यहाँ पर आपको लोगो नज़र आने लगेगा। देखिए लोगो नज़र आ रहा है। उसके बाद में आपको करना क्या है, बैनर इमेज आपको अपलोड करना है, चैनल आर्ट जिसे कहते हैं। सिंपली आप अपलोड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में आपको जो बैनर जो मैंने बना रखा है चैनल बैनर, उसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद में ये आपको बताएगा किस तरीके से नज़र आने वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको नॉर्मली जो मोबाइल के अंदर में नज़र आएगा वो इस तरीके से नज़र आएगा। तो आप इसको चाहें तो आप यहाँ यानी जहाँ से मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से एडिट करना है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हैं। यानी नेम जो है मेरा पूरा नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा कट जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लूँगा, वो मैं बाद में कर लूँगा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अभी आपको करना क्या है, सिंपली डन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने डन पे क्लिक किया, डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बता देगा, आप इसको आप जूम इन करके आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से जो आपको नज़र आएगा लैपटॉप में कैसा नज़र आएगा, है ना, मोबाइल में कैसा नज़र आएगा, डेस्कटॉप में कैसा नज़र आएगा। तो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत इशू है, तो आप क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है आप जहाँ से एडिट किए हैं वहाँ से आप इसको यानी जहाँ से आपने चैनल आर्ट क्रिएट किया वहाँ पर आप जाकर के एडिट इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, ये करने के बाद में आपको ऊपर में नज़र आएगा टॉप में यहाँ पे पब्लिश, सिंपली आप पब्लिश पे क्लिक कीजिए। अब अगर आप चैनल को देखते हैं यानी आपको यहाँ पे नज़र आएगा व्यू चैनल, सिंपली आप इसको उनमें क्लिक कीजिए। अब आप चैनल को देखेंगे तो पहले जो लुक आ रहा था वो लुक से हट करके अभी आपको दूसरा लुक नज़र आएगा। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए चैनल का लोगो आ गया, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे चैनल का बैनर भी आ जाएगा, दूसरे लोगों को कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, वो ये बता रहा है। अगर मैं इसको आऊँ यहाँ पे मैं यानी फिर से ब्राउज़र में जाऊँ, ब्राउज़र में आने के बाद में सिंपली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यानी मैं स्क्रॉल में क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से यूट्यूब पे आऊँगा, यूट्यूब पे आने के बाद में मैं यहाँ पे जो जहाँ पे मैंने देखा था यानी चैनल पे जैसे मैंने गया, मैं यहाँ से क्या करूँगा थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में जाऊँगा, यहाँ पर आकर के मैं यहाँ पे चैनल पे जाऊँगा, योर चैनल, यानी अभी जो मुझे लोगो नज़र आएगा यहाँ पे, देखिए लोगो नज़र आ रहा है, स्क्रॉल में मैंने लोगो पे क्लिक किया, योर चैनल पे मैंने क्लिक किया, तो अब मुझे जो है अपना चैनल नज़र आने लगेगा इस तरीके से। देखिए आपके चैनल का जो लुक है कुछ इस तरीके से कस्टमाइज हो गया है, चैनल आर्ट भी आपने लगा लिया, लोगो भी लगा लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने चैनल के ऊपर में आप अपने खुद का लोगो लगा सकते हैं, और किस तरीके से उसके अंदर में यानी चैनल बैनर जो है वो आप लगा सकते हैं, और किस तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करूंगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो नहीं कर रखे तो वहां पे फॉलो कीजिए, और आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए और आप अपना भी ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।